नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ही आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप लॉस खाने से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने का पहले एक बार पता जानना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग LSB एंड अपस्टॉक के साथ काम करते हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छा ब्रोकर कंपनी है, किसी एक के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बैंक निफ्टी का आज का फुल डे का परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करता हूँ, जो आज को मार्केट में कहाँ कहाँ कॉल बना, कौन सा कॉल में हम लोग पैसा बना सकते हैं, कहाँ पर हम लोग को बचना है। देखिए मार्केट आज को यहाँ पर ओपन हुआ था, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर ने यहाँ पर एक सेलिंग का कॉल दिया, ये जो रेड कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका सेल का कॉल है। कितना बजे दिया था? लगभग 10:10 पे। वैल्यू कौन सा है? देखिए राइट साइड में लिखा है 4222 8 पे, नीचे में T1 T2 T3 बोल के तीन टारगेट उसी टाइम आ जाएगा। तो मैं मेरा पहले का वीडियो में भी यही बताता हूँ, टारगेट है स्टॉप लॉस बोल के कोई चीज़ नहीं होता है, एंट्री एंड एग्जिट पे फोकस कीजिए। अगर एंट्री एंड एग्जिट परफेक्ट हो गया तो पैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने के बाद हम लोग को ट्रेड करना है? ट्रेड करने का पहले आपको जो तीन चीज़ देखना है सबसे मेनली, उसमें पहला है सिग्नल का पहले स्टार बनाए कि नहीं, वो भी रेड कलर का। तो आपको दिखाई दे रहा है रेड स्टार है, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन आपका कन्फर्म है। दूसरा जो कंफर्मेशन है वो है ट्रेंड का, जो नीचे का रिबन बता रहा है, जो नीचे का रिबन का कलर रेड है, यानी तो ये भी रेड है, तो ये भी आपका कंफर्मेशन कर रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर नीचे का ये बार चार्ट है, ये जो बार दिखाई दे रहा है ना, अब इस इंडिकेटर का काम थोड़ा बता देता हूँ। देखिए इसमें आपको रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू टाइप का, थ्री टाइप ऑफ ब्रिक्स दिखाई देगा, रेड सेलिंग के लिए, ग्रीन बाइंग के लिए, ब्लू मतलब साइडवेज हो रहा है, और मेन जो फैक्टर है वो है मिडिल में आपको एक ब्राउन कलर का लाइन दिखाई देगा। ध्यान में रखना है ब्राउन कलर का नीचे अगर ब्रिक्स का साइज रहा उसका मतलब है सेलिंग पे है, ब्राउन का ऊपर चला जाएगा तो बाइंग पे। तो जिस टाइम मैं सेल करने जा रहा हूँ इस ब्रिक्स का जो पोजीशन है उसका कलर रेड तो होना ही चाहिए, बट उसका उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्राउन का नीचे होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपका कॉल को कन्फर्म कर रहा है। तो देखिए कॉल मुझे यहाँ पर कन्फर्म किया है, बट ब्रिक्स मेरा यहीं पर कन्फर्म हो गया था, इसका मतलब है ब्रिक्स आपको बहुत पहले ही कंफर्मेशन दे देता है। अगर ये बाय का कॉल, सॉरी ये सेल का कॉल और थोड़ा पहले आ जाता तो मुझे और थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांसेस था। देखिए एंट्री लेने के बाद बहुत टाइम हम लोग फंस जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर एंट्री ले लिए सारा कंडीशन मैच था, मैच रहने का बाद भी, एंट्री रहने का बाद भी देखिए मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स कर गया था। अब ऐसा सिचुएशन में क्या करना है? ऐसा सिचुएशन में हम लोग जनरली फंस जाते हैं, बहुत टाइम हम लोग लॉस लेके भी निकल जाते हैं स्टॉप लॉस करके, बट अल्टीमेट देखते हैं मार्केट प्रॉफिट देखेगी। तो देखिए मार्केट को तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बट जो चीज़ आपका हाथ में है, जो वाकई यहाँ पर वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नीचे का जो रिबन है ये आपको बता रहा है जो ट्रेंड आपका अभी भी सेलिंग का तरफ है। तो यहाँ पर जो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स गया है, अगर रेड अभी रिबन चल रहा है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। ये जो दोनों लाइन क्रॉसओवर हुआ है ये एक संकेत है निकल जाने का। नीचे का जो ब्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली देखिए इसका हिसाब से आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए जब ये ब्राउन का ऊपर चला जाएगा, मतलब कौन सा कैंडल पे, इस कैंडल पे, मतलब इस कैंडल पे जैसे ब्राउन का ऊपर चला जाता है लॉजिकली आपको यहाँ पर निकल जाना है। अगर अब यहाँ पर निकल जाते हैं तो दोबारा इस कैंडल पे री एंट्री मार सकते हैं एक कैंडल जस्ट बाद ही। तो ये जो निकलना और एंट्री लेने का पोजीशन है ये आपको देखना ही पड़ेगा। अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तो आपको निकल जाना ही बेटर है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है जो नीचे ला के खड़ा कर देगा। हाँ यहाँ पर आप एक चीज़ फॉलो जरूर कर सकते हैं, जो येलो लाइन का नीचे मार्केट अगर है, मिडिल का दोनों लाइन अगर पिंक है, नीचे का रिबन अगर रेड है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। देखिए एक कैंडल ऊपर गया था ये ब्रिक्स, उसके बाद ब्लू कैंडल बना, दोबारा रेड होके नीचे आ गया, उसका बाद मुझे एक लंबा प्रॉफिट दिया। जैसे यहाँ पर देखिए दोबारा ये इसका ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। तो ये जो पोजिशन है यहाँ पर हम लोग सेलिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर निकल के दोबारा इस कैंडल पर एंट्री लेके भी पैसा बना सकते हैं। मार्केट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, बट मार्केट को समझना हम लोग का हाथ में है। हम लोग अगर मार्केट से सही से समझ पाएंगे तो हम लोग का हिसाब से, एक्सपेक्टेशन का हिसाब से प्रॉफिट बना सकते हैं। अल्टीमेटली बाय का कॉल बना, नीचे यहाँ पर रिबॉन ग्रीन हुआ, स्टार बना, और इसका बाद भी अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो यहाँ तक कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, बट सडनली जैसे मार्केट यहाँ पर खत्म हो गया तो
3:15 का बाद जनरली मार्केट में वेट करना नहीं चाहिए, और ये जो गिरावट हुआ है लास्ट में हुआ है, जनरली हम लोग बोलते हैं 2:45 का बाद मार्केट को छोड़ देना ही बेटर रहेगा, क्योंकि उसका बाद मार्केट में उतना मूवमेंट होता नहीं है। और वैसे आज को जो चार्ट आप देख रहे हैं ये फ्राइडे का चार्ट है, तो ट्रेडर मार्केट में नहीं रहता है, तो 2:45 का बाद ही छोड़ देना बेटर रहेगा। जो भी प्रॉफिट करिए उसका अंदर कीजिए, उसका बाद में वेट मत कीजिए। तो ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं ये काफ़ी सिंपल वे में आपको हेल्प करेगा। एंट्री एग्जिट बहुत इज इम्पॉर्टेंट, और अभी का जो मार्केट का सिलसिला है उस हिसाब से मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा देखिए यहाँ पर स्टार देने के बाद 3 से 4 कैंडल मार्केट गिरा दिया था, बट ये जो नीचे का ब्रिक्स आप देखेंगे ये ब्राउन का ऊपर ही था, नीचे का रिबन ग्रीन था, तो इसका मतलब है यहाँ से थोड़ा सा वेट करना था, अल्टीमेट मार्केट ऊपर लेके गया। तो ये छोटा छोटा चीज़ को ही अगर आप सीखेंगे तो ही इस मार्केट में आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। तो कैसा लगा कंसेप्ट जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वीडियो को देख रहे हैं एक कमेंट जरूर कीजिए, ताकि जो न्यू क्लाइंट है उसको इसका बेनिफिट का बारे में पता चले। चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और फाइनली एक ही चीज़ बोलूंगा, ये जो आप स्ट्रैटेजी देख रहे हैं अभी का जो मार्केट का हालत है उसका हिसाब बेस करके ये अपडेट किया गया है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें आप लोग को मिल रहा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।